वेलकम बैक टू कोडिंग। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले बार चार्ट्स के बारे में कि हम बार चार्ट्स कैसे बना सकते हैं। यार बार चार्ट प्रैक्टिकली आपको बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ डिटेल्स क्लियर कर दूँ कि हमारे बीच में कॉमन ग्राउंड हो और मेरे को पता हो कि आपको ये चीज़ें पता है। ठीक है, वो क्या है कि देखो, बार चार्ट बनाने के लिए हमें चाहिए होती हैं दो चीज़ें। कौन कौन सी हैं वो मैं हाईलाइटर ले ले रहा हूँ। ठीक है, एक है कॉलम्स और एक है रो। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें बार चार्ट बनाने के लिए चाहिए होती है। अब आप अपनी जो मेजर्स और डायमेंशन है इनमें ड्रैग करके लाते हो और बार चार्ट बनाते हो। तो कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे आप कोई भी चीज़ आप रो में लेके आ रहे हो ना, तो वो उसका कोई भी चीज़ आप रो में लेके आ रहे हो तो वो आपको वर्टिकली शो होने वाली है। ठीक है, इस फ्लो में आपको शो होगी। और आप कोई भी डायमेंशन या मेजर आप अगर कॉलम में ड्रैग करके लेके आ रहे हो तो आपको इस तरीके से शो होगी अक्रॉस द टेबल। ठीक है, अच्छा, अब दो हमारे पास होती हैं, ग्रीन फिल होती है और ब्लू फिल होती है। इनका मतलब भी समझ लेते हैं। ग्रीन फिल ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है। ठीक है, ऐसे ही जो आप डायमेंशन वगैरह में आपने देखा हो, जैसे आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे मैं इसको ठीक है ग्रीन फिल मतलब यहाँ पर लेके आता हूँ कॉलम्स में, एक ग्रीन फिल बन गई। ठीक है, और एक मैं पेट को लेके आता हूँ रोज में, ब्लू फिल बन गई। ठीक है जी, तो ये ग्रीन पिल और ब्लू पिल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको क्या चक्कर है। जो ग्रीन पिल होती है वो आपकी कंटिन्यूस वैल्यूज आपको देती है। ठीक है, कंटिन्यूस वैल्यूज देती है और कंटिन्यूस वैल्यू नहीं देती, कंटिन्यूस होती है वो नेचर में अपने, और आपको एक एक्सेस बना के दे देती हैं और जो कि एक नंबर लाइन की तरह दिखती है। दिखा दो कैसे, जैसे मैं ग्रीन पिल लेके आता हूँ कंटिन्यूस वैल्यूज में। ठीक है, सेल्स उठाते हैं और इसको मैं रख देता हूँ रोज में, सॉरी कॉलम्स में। ठीक है, फिर कॉलम्स में रखूंगा तो ही मेरे को अक्रॉस द टेबल दिखाई देने वाली थी ना, अभी मैंने बात बताई थी और मैं भूल गया बताओ। ठीक है, तो एक ये नंबर लाइन टाइप ही मेरे को दे देता है और ये कंटिन्यूस है नेचर में। ठीक है जी, ऐसा कुछ है। और नेक्स्ट चीज़ क्या थी कि जो हमारी ब्लू पिल्स होती हैं वो डिस्क्रीट होती हैं, डिस्क्रीट होती हैं और वो हमारे हेडर्स प्रोवाइड करती हैं स्लाइस ऑफ योर डेटा। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैं एक ब्लू पिल लेता हूँ, कोई भी स्टेट वाली अभी ले लेता हूँ, मैं स्टेट छोड़ो रीजन ले लेता हूँ, रीजन वाली मैंने ली तो आपके डेटा को स्प्लिट कर दिया इसने चार अलग हिस्सों में। ठीक है, हेडर्स भी प्रोवाइड कर दिए इनके लिए, सेंट्रल हेडर, ईस्ट हेडर, साउथ हेडर, वेस्ट हेडर, ये स्प्लिट कर दिया आपका डेटा चार हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो और क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं इसमें, हॉरिजॉन्टल जो अभी मैंने ग्राफ बनाया वही मैंने दिखा रहा था कि अगर आपको एक्स एक्सिस में बनाना है अगर आपको हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनाना है तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि आपको देखो एक ऐसे मेरे को एक्सिस में चाहिए और एक ऐसे एक्सिस चाहिए, और इस एक्सिस पे कौन आता अभी मैंने बताया था, इस एक्सिस पे आते हैं आपके रो वाले डेटा और इस एक्सिस पे आता है आपका कॉलम वाला डेटा। ठीक है, और यहाँ पे देखना आपका कॉलम वाला डेटा कौन सा पड़ा है, सेल्स है जो कॉलम वाले पे, और ये कौन सी वैल्यूज है, कंटिन्यूस वैल्यूज है और ये आपकी डिस्क्रीट वैल्यूज है। ठीक है, डिस्क्रीट मतलब चार होगी ना, यहाँ पे कंटिन्यूस आप देख पा रहे हो रेंज इनकी। ठीक है जी, तो जो आपकी ब्लू पिल्स होती हैं उसकी स्लाइसर और हेडर होती है तो वो कहाँ पे आनी चाहिए अगर आप हॉरिजॉन्टल ग्राफ चाहते हो। अगर आप वर्टिकल ग्राफ चाहते हो तो ब्लू पिल्स यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, और ग्रीन पिल्स यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो इतना बेसिक बहुत है जो एक बेसिक बार ग्राफ बनाने के लिए, तो शुरू करते हैं। शुरू तो हमने ऑलरेडी कर ही दिया है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है जी, तो हमने ये ग्राफ बना लिया अभी तक। ठीक है, और ये हमने हॉरिजॉन्टल ग्राफ आप मैंने आपके सामने बना के दिखाया। अब इसका वर्टिकल ग्राफ कैसे बना सकता हूँ, सिर्फ मेरे को इसको फील्ड्स को स्विच करना है जो कॉलम में थी, रीजन और सम बन गया वर्टिकल। ठीक है, अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, वो शॉर्टकट क्या है, ये स्वैप बटन है, ये कॉलम्स और रोज की डायमेंशंस को एंटर में स्वैप कर देता है ऐसे। ठीक है, और एक और कूल चीज मैं आपको बताऊंगा, कूल चीज क्या है कि आप व्यू भी एडजस्ट कर सको। अभी स्टैंडर्ड व्यू में मैं एंटायर व्यू पे क्लिक करूंगा तो ऐसे सेट हो जाते हैं एंटायर व्यू, और मैं इसको स्वैप करूंगा
ठीक है, ऐसे हो जाएगा। लेकिन एंटायर व्यू नहीं चाहिए मेरे को, स्टैंडर्ड व्यू चाहिए अभी फिलहाल। ठीक है जी, अब हम इतना हमें बार ग्राफ बनाना आ गया, अब इसमें थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मार्क्स कार्ड के थ्रू हम इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो अब मैं अभी पहले तो ये बताना चाहिए कि मेरा ये ग्राफ शो क्या कर रहा है। ये शो कर रहा है मेरी कि अलग अलग एक जैसे कोई कोई भी कंट्री हो सकता है, कोई भी स्टेट हो सकता है, उसमें चार रीजन है। अभी इस डेटा की बात नहीं कर रही, ये डेटा किसके बारे में, फिलहाल मैं इन दोनों के बारे में ही बात कर रहा हूँ कि सेल से किस प्रोडक्ट्स की सेल है मेरे पास, और वो चार रीजन में सेल हुई है, सेंट्रल, ईस्ट और साउथ और वेस्ट में। उनका कंपेरिजन करके बता रखा है किसमें सबसे ज्यादा हुई है, किसमें सबसे कम हुई है। ठीक है, आपस में कंपेरिजन हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को दिखे कि कैटेगरी वाइज, इसमें कलर में ला के छोड़ दूंगा कैटेगरी को, ड्रैग एंड ड्रॉप। जो ब्लू कलर की सेल है ना, तो वेस्ट रीजन में मेरी जो ब्लू कलर की जो ये कलर इंडिकेट कर रहा है, ये फर्नीचर की सेल इंडिकेट कर रहा है। जितना वाइड मेरी स्ट्रिप होगी, उतना ज्यादा मेरी सेल्स का कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब फर्नीचर का कंट्रीब्यूशन होगा सेल्स में। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे फर्नीचर जो साउथ में है, वो ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजीज की बजाय बहुत कम सेल्स हुई है उसकी। ठीक है, और यहाँ से आप साइज एडजस्ट कर सकते हो, ऐसे करके साइज एडजस्ट किया जा सकता है इसका। ठीक है जी, और तो क्या करोगे, और आप यहाँ पे जैसे लेबल है, लेबल पे शो मार्क टेबल्स करोगे तो आपको यहाँ पे काउंट पे दिख जाएगा। ठीक है, कि कितना कितना काउंट है आपका हर एक सेल का। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही बेसिक बात।